हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। तो आज भी मार्केट में भारी गिरावट थी और इस गिरावट के साथ ही बंद हुई है, 11,000 के नीचे बंद हुई है। आज निफ्टी जो 11,000 के जो होल्ड कर रहा था, आज उसको भी तोड़ के आज नीचे बंद हुआ है। और फ्रेंड, आज आप देखे हो गए, एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो या फिर ऑटो सेक्टर की कंपनी हो, सभी कंपनियों में काफी मतलब की मार्केट मचे हुए थे। इतना मार्केट मचा हुआ था कि आज एचडीएफसी शेयर भी नहीं बच पाए। और फ्रेंड, एचडीएफसी का शेयर क्यों गिरा, क्योंकि एलएफएस में एचडीएफसी के 9.2 की हिस्सेदारी है। इसके चलते एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर आज 5% गिरावट देखी गई। और फ्रेंड, एचडीएफसी जैसे शेयर अगर गिरते हैं तो वो पूरा मार्केट को गिरा देता है। तो एचडीएफसी गिरने की वजह से आज इंडसइंड बैंक भी गिर गया और कोटक महिंद्रा बैंक भी गिर गया, क्योंकि जब एचडीएफसी का जब शेयर 5% गिरता है तो वो जाहिर सी बात है पूरा बैंक निफ्टी को पूरा नीचे खींच लेता है। तो इसके चलते भी आज भारी गिरावट हो गई। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सरकार ने भी बोल दिया है कि हमारे मन में कोई डर नहीं है, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो हम उसकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड, सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। अगर कोई कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो सरकार उनकी मदद करेगी। और SBI ने भी खुद आज बोला है कि अगर कोई किसी एनबीएफसी कंपनी को या फिर किसी SME कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो पैसा प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड, सरकार इसे पूरा मदद करेंगी, तो इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेंड सरकार ये सब अगर बयान नहीं देती, अगर ये सब नहीं करती, तो हम लोग सोच सकते थे कि हाँ भाई, अगर कोई ऐसा कोई कंपनी और डिफॉल्ट कर देती है, HDFC बैंक जैसे कंपनी और डिफॉल्ट कर देती है, इंडिया बुल्स जैसे निफ्टी की कंपनी अगर डिफॉल्ट कर देती है तो मार्केट पूरा ध्वस्त हो जाएगा, जैसा 2008 में हुआ था। क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या था, और जब तक पता चला, जब तक पूरा मार्केट गिर चुका था, पूरा दुनिया का मार्केट गिर चुका था। अब मैं बात कर लेता हूँ यस बैंक के बारे में। तो मीडिया में खबर ये चल रहा है कि RBI हो सके कि राणा कपूर का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन RBI ने खुद बोला था कि यस बैंक का जो CEO राणा कपूर है उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जबकि यस बैंक के जो शेयर होल्डर उनसे मंजूरी भी मिल गई थी, फिर भी RBI ने मना कर दिया था कि इस कंपनी का जो CEO रहेंगे वो अभी राणा कपूर नहीं रहेंगे, जनवरी के बाद नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये पता नहीं क्या खबर मीडिया में चल रही है कि अब कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हो सके कि सरकार का दबाव हो, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि यस बैंक का जो CEO रहे वो राणा कपूर रहे। और मार्केट में ये कहा भी जाता है कि राणा कपूर मतलब यस बैंक मतलब राणा। एक और भी विवाद चल रहा है राणा कपूर के बारे में कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो RBI ने खुद बोला था राणा कपूर के कि आप अपना स्टेक कम कीजिए, तो इन्होंने स्टेक कम करके मतलब बेच के इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो फ्रेंड, RBI का कहना था कि आपने प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी है, तो इनसे मतलब की सफाई मांगी गई। तो इन्होंने सफाई दी है कि आप ही ने बोला था कि आप अपने स्टेक कम कीजिए, तो मैंने अपनी स्टेक को कम करके मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। इन्होंने सफाई दी है, तो इसे इस सफाई से RBI संतुष्ट लग रहा है। हो सके इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में RBI इनको कार्यकाल आगे बढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन अब RBI इस सफाई से संतुष्ट लग रहा है। तो हो सकता है कि आगे कार्यकाल इनका बढ़ा दिया जाए। वैसे यस बैंक का CEO पद के लिए कल मीटिंग भी है, तो देखते हैं कल क्या होता है। और भी फ्रेंड, मैं कुछ बात कर लेता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि मार्केट में भारी गिरावट आ चुकी है, तो अब तक फ्रेंड जो निफ्टी 50 है वो 800 पॉइंट का गिरावट दिखा चुकी है, और बैंक निफ्टी फ्रेंड 3500 पॉइंट गिर चुका है। 3500 पॉइंट फ्रेंड कम नहीं होता है, और आज तो 25,000 के नीचे भी जा चुका था बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो बैंक निफ्टी का ही होता है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी देखिएगा ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी का होगा। और वैसे भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी अगर नहीं चलती है तो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बैंकिंग सेक्टर बिना ऊपर मार्केट चला जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी को चलना बहुत जरूरी होता है। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो पूरा मार्केट को गिरा देगी। आप देख ही रहे हो कि कितना धड़ाम देर हुआ है, DHFL, यस बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और आज HDFC भी, तो सभी कंपनी शामिल हो चुकी है। अगर इससे भी अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है, 23,000 चला जाता है, तो फिर वहां पे खरीदारी करने का मौका होगा। हालांकि 23,000 नहीं जाएगा, अभी तो 25,000 के ऊपर ही बंद हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। और फ्रेंड, जो सेंसेक्स अब तक गिर चुका है वो 2700 पॉइंट गिर चुका है, और मिडकैप जो इंडेक्स है जिसमें आप लोग बहुत पसंद करते हो, तो मिडकैप जो इंडेक्स है वो 4,000 पॉइंट गिर चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर फ्रेंड और गिरता है तो काफी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब गिरेगा तो HDFC बैंक गिराएगा या फिर इंडसइंड बैंक गिराएगा, कोटक महिंद्रा बैंक गिराएगा। तो ये सब जो स्टॉक जब गिरने लगेंगे तो समझो
और भी स्टॉक और भी मतलब कि निफ्टी जो वो नीचे चला जाएगा। और फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि कई सारे जो स्टॉक है वो बहुत हद तक गिरे हुए, कोई 5% गिरा हुआ, कोई 30% गिरा हुआ, कोई 20% गिरा हुआ है, तो क्या मुझे खरीदारी करना चाहिए? तो फ्रेंड देख लो, अच्छी कंपनी खरीदोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर आप होल्ड करते हो लंबे समय तक, लंबे समय तक मतलब 3 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो, तो आप इन सब कंपनियों में ज्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप घटिया क्वालिटी के स्टॉक है जैसे SCC हुआ, सिंटेक्स प्लास्टिक हुआ, इन सब कंपनियों अगर होल्डिंग बनाते हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ, इस सब कंपनी में अगर होल्डिंग बनाते हो तो आपका लंबे समय तक पैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन आप अच्छी कंपनी में खरीदते हो, डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड खरीदते हो, बजाज फाइनेंस खरीदते हो, इंडसइंड बैंक खरीदते हो, तो ये सब कंपनी मार्केट जैसे ठीक हुआ, जब से ये सब कंपनी लाइफ टाइम हाई लगा देंगी, तो ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप कल भर मार्केट देख लो, क्योंकि मार्केट अगर 10,700 के नीचे जाती है तो भारी गिरावट आ सकती है, हालांकि सपोर्ट भी वहां पर ले सकता है। तो ऐसे कल डिसाइडेड हो जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि आज भी पुल बैक नहीं आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी काफी लोग घबराए भी हुए हैं। तो मैं बोलूंगा कि कल देख लीजिए क्या होता है, और जिस दिन मार्केट अच्छा हुआ उस दिन तो सभी स्टॉक 5 से 10% का रिटर्न एक ही दिन में दे देगा, तो वहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से वो सभी स्टॉक नीचे आएंगे क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा, तो फिर से नीचे आएंगे, तो आप वहां पे खरीद सकते हो। तो देख लो कहाँ पे बाजार रुकता है, कंसोलिडेट होता है, तो वहां पे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी करना, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल बटन प्रेस कर दे, अगर बेल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।